नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 1 के बारे में। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे आपके EPC 1 रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट में 2019 में जो प्रश्न आप सभी के लिए पूछे गए थे, उसका विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के पाठ्यक्रम के ऊपर बनाया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके EPC 1 में प्रश्न जो है कैसे सेट किए जाते हैं और एग्ज़ाम जो है किस पैटर्न पर लिया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, EPC 1 पेपर जो है ये आपका 50 नंबरों का है, जिनमें से आपके 40 नंबर की परीक्षा ली जाती है एवं 10 नंबर आपका इंटरनल होता है, यानी कि आपको प्रैक्टिकल में मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ समझना होगा कि EPC 1 पेपर जो है इसका एग्ज़ाम आपके विश्वविद्यालय में नहीं होता है, इसका एग्ज़ाम आपके महाविद्यालय में ही होता है, यानी कि जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं उसी कॉलेज में EPC 1 का एग्ज़ाम होता है। तो हम जो ये पेपर जो लिए हैं, ये पेपर जो है साईं कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा शेखपुरा के 2018-20 सेशन का है। फर्स्ट ईयर इंटरनल एग्ज़ाम 2019 में जो परीक्षा हुई थी उसका ये पेपर कोड है। तो हम देखते हैं कि ये जो है इसमें आपके इस पेपर में कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। सारे प्रश्न आपके जो हैं दीर्घ उत्तरीय रहते हैं, 300 से 350 शब्दों में आपको उत्तर देना होता है और इसके लिए समय आपको 2 घंटे मिलते हैं। चाहे आप किसी भी महाविद्यालय से बीएड कर रहे हों, यदि आपका विश्वविद्यालय तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय या फिर मुंगेर विश्वविद्यालय हो, सभी में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप सभी के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पंचतंत्र क्या है, इसकी रचना के पीछे छुपे हुए उद्देश्यों का वर्णन करें। पंचतंत्र क्या है आप सभी को पता है, इसके रचना के पीछे छुपे हुए उद्देश्यों का हमको वर्णन करना है। पहले प्रश्न के अनुसार EPC 1 का हम पूरा नोट्स आपके लिए तैयार कर दिए हैं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बीएड प्रथम वर्ष के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप सारा वीडियो देख सकते हैं और उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, जिससे कि आप आसानी से सारे वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे प्रश्न की यदि बात करें, तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, कैसे लोग हैं यहाँ, कुत्तों को तो खुला छोड़ देते हैं और पत्थरों को ज़मीन में गाड़ कर रखते हैं, इस कथन के माध्यम से कवि ने क्या कहने की चेष्टा की है। EPC 1 के अंतर्गत हमको जो है गुलिस्ता बोस्ता से कथाएं भी पढ़नी है, जिसमें एक कथा है गुलिस्ता बोस्ता में एक कथा आपको मिलता है सच्ची कविता, एक कवि के ऊपर ये पूरी कहानी है। तो उसी कहानी में एक प्रसंग हमें मिलता है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि ये जो कथन कहा गया है कवि के द्वारा, इस कथन के माध्यम से कवि ने क्या कहने की चेष्टा की है, इसके बारे में आपको बताना है। उसी तरह तीसरा आपका प्रश्न है, थेर एवं थेरी गाथा से आप क्या समझते हैं, इसकी रचना के पीछे छुपे उद्देश्यों का वर्णन करें। और चौथा प्रश्न है, मुर्दहिया शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें, इसके रचनाकार के जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखें। आप सभी को पता ही होगा मुर्दहिया रचना जो है वो तुलसीराम की एक रचना है, जिसमें उन्होंने अपनी बायोग्राफी अपनी आत्मकथा लिखा है और उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम
मुर्दहिया दिया है। तो मुर्दहिया वो नाम क्यों दिए हैं इसके बारे में आपको बताना है, एवं इसके अलावा तुलसीराम के जीवन परिचय भी लिखना है और इनके द्वारा और भी रचनाएं, तुलसीराम ने और भी रचनाएं लिखी है। जैसे कि मुर्दहिया की बात करें तो मुर्दहिया के बाद वो लिखते हैं मणिकर्णिका, जो कि मुर्दहिया का भाग दो भी माना गया है। तो उन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी है उनके बारे में आपको इस प्रश्न में बताना है। उसी तरह पांचवा प्रश्न आप सभी के लिए है, गुलिस्ता बोस्ता से आप क्या समझते हैं, इसके रचनाकार के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालें। गुलिस्ता बोस्ता से कथाएं हमको EP-C1 के यूनिट 1 में पढ़ना है। तो आपको ये बताना है गुलिस्ता बोस्ता क्या है एवं इसके रचनाकार कौन थे, इनके रचनाकार के जीवन पर आपको प्रकाश डालना है, इनके जीवन के बारे में आपको लिखना है। उसी तरह आपका छठा प्रश्न आपको दिया हुआ है, राग दरबारी को कालजयी उपन्यास माना गया है, इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं। राग दरबारी एक व्यंग रचना है, इसे कालजयी उपन्यास माना गया है, इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं इसके बारे में आपको बताना है। और सातवां प्रश्न आप लोग के लिए है, अपनी स्वेच्छा से एक शिक्षाप्रद लोकगीत को लिखें, इसका प्रयोग आप कक्षा कक्ष में कैसे करेंगे। इसमें सातवें प्रश्न में आपको पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है कि आप अपनी स्वेच्छा से जो आपको याद हो या जो आपकी रचना हो या जो आप लिख सकते हैं, एक लोकगीत का निर्माण करना है जो कि शिक्षाप्रद होनी चाहिए, एवं इस गीत का आप अपने कक्षा कक्ष यानी क्लासरूम में कैसे प्रयोग करेंगे इसके बारे में भी आपको बताना है। और इस प्रश्न का आठवां और अंतिम प्रश्न है, किसी एक व्यक्ति की जीवन वृत्त को लिखें जिनसे आप प्रेरणा प्राप्त करते हैं, यानी कि जिनसे आप मोटिवेट होते हैं, जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, वो आपके शिक्षक भी हो सकते हैं, वो आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या फिर कोई भी बड़े महापुरुष जैसे कि महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, अब बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनके बारे में आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। हाँ, विवेकानंद के बारे में आप लिख सकते हैं। तो किसी एक व्यक्ति के जीवन वृत्त पर आपको प्रकाश डालना है जिनसे आपको लगता है कि हम उनसे मोटिवेट होते हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो ये तो वो थे आठ प्रश्न जो आपके APC-1 में पूछे गए थे। अगले वीडियो में हम BEd प्रथम वर्ष के बाकी पेपर कोर्ट के भी प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।